नमस्कार। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि रूह में भी दाग आ जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। तो रिश्ते ऐसे होते हैं कुछ जो दिल से निभाए जाते हैं, उनमें दिमाग नहीं लगाया जाता, पूरे तौर पर न्योछावर हो जाया जाता है, पूरे तौर पर समर्पित हो जाया जाता है, रिश्तों में दिमाग लगाकर काम नहीं बना करता। तो बहरहाल हमारा और आपका कुछ ऐसा ही दिल का रिश्ता है जो आज कुछ खास बात करेगा आपसे, कुछ खास आपको समझाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी भी हैं हमारे साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो इससे पहले कि हम अपने आज के दिन को समझें, आज के दिन को जानें और आज के दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसे नोट करके अपने जीवन में उतारें, हम जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज 24 जून 2018 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है देर रात 4:54 तक। विशाखा नक्षत्र है देर रात 5:01 तक। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे रात 10:33 पर। चंपक द्वादशी है और हिमाचल प्रदेश के आने वाला 3 दिन का श्री शूलनी महोत्सव का समापन हो रहा है। ये तो बात हुई हमारी आज के पंचांग की। हमारा आज का एपिसोड भी बहुत खास है। एपिसोड है साप्ताहिक एपिसोड, वीकेंड स्पेशल, जिसमें हम जानने जा रहे हैं अपने अगले 7 दिनों के बारे में। तो अगले 7 दिन कैसे रहेंगे और उन 7 दिनों के लिए हमें तैयारी क्या क्या करनी है, आज हम आपको नोट कराएंगे बहुत ध्यान से। मेष और वृषभ, आपका सप्ताह और क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। मेष राशि वालों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं अपनों के लिए, इसलिए आप अपनों की मदद करना चाह रहे हैं। कारण कोई भी क्यों ना हो, अपनों से जिंदगी का तालमेल बना रहेगा तो खुशी की अनुभूति जरूर होगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में, चाहे आपके मन में कुछ अच्छा करने का प्रयास हो या आप किसी नए काम में हाथ डालना चाह रहे हो, ये समय मेहनत करने का है। रोजमर्रा का समर्पण बना रहेगा तो आपकी प्रतिभा जरूर उभर कर आएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रबल बनाकर आप किसी से तकरार में ना पड़ते चले जाएं। अच्छे भले हालात को किसी भी तरह के तकरार की वजह से बिगाड़ते चले जाना कभी भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर है, इसलिए क्योंकि आपने अपने मन में बहुत सारी चिंताओं को बिठा रखा है। ऐसे में खुद पर भरोसा करना होगा ताकि आप अपनी चुनौतियों को भली भांति संभाल सके। ऐसे में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, आप अपने पैसे की स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं, पर ऐसे किसी भी प्रयास में आपसे गलती भी हो सकती है। बेहतर ये होगा कि किसी और व्यक्ति के बजाय घर परिवार में अपनों से सहायता लें। क्या न करें इस सप्ताह में, अपनी कोशिशों को किसी कमी की नजर से देखकर आप अपने लिए रुकावटें न पैदा करते चले जाएं। चाहे वो आपसे वरिष्ठ लोग हो या आपके साथी सहयोगी, किसी से भी इस समय उलझते चले जाना ठीक नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है किसी से इस समय उलझने की, निकल जाइए, किसी उलझन में मत उलझिए बिल्कुल इस समय। एक सवाल लेंगे सर, सवाल जिनका है उनका नाम है तारा जिंदगार। परेशान है, उनकी परेशानी पर भी आएंगे, लेकिन पहले उनका बेटा जो कि 5 साल का है उसकी कुंडली ले लेते हैं। 18 नवंबर 2011 6:40 शाम को जन्म हुआ है इनके बेटे का जयपुर में। अमूमन हम छोटे बच्चों की कुंडलियां नहीं लेते हैं, उनका प्रडिक्शन ज्योतिषीय जो ज्ञान है या जो कहिए परंपरा है उसके मुताबिक तब तक बच्चों की कुंडली नहीं देखी जाती जब तक उनके ऊपर कोई सेहत का कोई बहुत बड़ा खतरा ना हो। यहाँ बात सेहत के खतरे से जुड़ी हुई है, इसलिए ज्योतिष गुरु इनका सवाल यह है कि एक्जिमा की प्रॉब्लम इनका 5 साल का बच्चा फेस कर रहा है, जब वो 4 महीने का था तब से पूरे शरीर में एक्जिमा की तकलीफ है, इचिंग होती है, छोटा सा बच्चा है बेचारा, बहुत परेशान है, तमाम डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है, बात अभी तक नहीं बन पाई। अब आपसे समझना चाहते हैं कब तक ये बच्चा पूरे तौर पर स्वस्थ हो पाएगा। तारा जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा, उसकी सेहत के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है जी वृषभ लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की, अक्टूबर 2021 तक। छोटा बच्चा है 6.5 साल का और आपने कहा उसे एक्जिमा है सारी बॉडी में और बहुत सफ़र कर रहा है इसके चलते। देखिए, ये जो कुंडली है ये भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दर्शाती है और अभी हाल में जो दशा बदली है, जो अभी आने वाले कुछ समय तक चलेगी, उसमें भी ये परेशानियां बनी रहेंगी, तो लग के इलाज करवाना होगा। अच्छी बात यह है जी कि अब से 4-4.5 साल के बाद ऐसा समय शुरू होता है जिसमें ये जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारा सुधार हो जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि इलाज भी करवाना है और भरोसा भी रखना है, सब कुछ ठीक होगा। आपने अपने सवाल में लिखा था 5 साल का, लेकिन 6-6.5 साल के आसपास है आपके बच्चे की उम्र। और अच्छी बात क्या है कि 4-4.5 साल बाद
बच्चा इस तकलीफ से मुक्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जरूरी क्या है? जरूरी है डॉक्टर्स जो आपके बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन पर पूरा भरोसा रखिए, लगकर रिलीजियसली उस बच्चे का इलाज कराते रहिए, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। कुछ साल की दिक्कत बच्चे को और है, स्वस्थ होगा बच्चा। इस विश्वास के साथ इलाज आगे बढ़ाते रहिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपकी बात। मिथुन राशि वालों के रिश्तों की अच्छी भली स्थिति आपकी कही हुई बात से बिगड़ सकती है। अगर अनजाने में भी आप किसी को कोई चुभती हुई बात कहेंगे तो उसका बुरा असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ सकता है। इसलिए हर बात पर अपनी ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के जो भी मौके मिल रहे हैं उसका फायदा उठा लें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जो आपके कामकाज को संभाले रखने में भी आपकी मदद जरूर करेगा। क्या न करें सप्ताह में? अपने बढ़ते हुए खर्चों का असर अपनी बचत पर बिल्कुल न पड़ने दें। वैसे भी ये खर्चों का दौर है, इसलिए ऐशो आराम के खर्चों को भी थोड़ा सा संभाल लें। कुछ इस रूप से भी अपनी योजनाएं बनाएं कि आपका पैसा संभला रहे, वो कहीं फंस ना जाए। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि निजी जीवन की सच्ची खुशी तब बनती है जब आप लोगों पर भरोसा कर सकें। अगर जुबान पर कुछ होगा और मन में कुछ और होगा तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी जैसी आप चाह रहे हैं। इसलिए अपने मन से अविश्वास के बादल तो हटाने ही पड़ेंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की स्थिति को अगर लापरवाही से संभालने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान होता चला जाएगा। वैसे भी रोजमर्रा के खर्चों को संभालने का समय है ताकि आप अपनी बचत को बनाए रख सकें। क्या न करें सप्ताह में? अपने आसपास के लोगों से किसी भी तरह की कलह में ना पड़े। खासकर किसी नुकसान की वजह से आप अपने रिश्तों को बिगाड़ते ना चले जाएं। तो काम काज के लिए ज्यादा पैसे जुटाने के चक्कर में कहीं आप किसी नुकसान को न्योता तो नहीं दे रहे हैं? थोड़ा समझिएगा इस बात को और बचिएगा इस गलती से। तो आगे बढ़ते हैं, अब सिंह और कन्या आपकी बात करते हैं। तो आपके लिए ये 7 दिन कैसे हैं? क्या कुछ है इनमें? क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है? अगले 7 दिनों का सारा हिसाब किताब आपके सामने। सिंह राशि वालों को किसी भी अनजानी राह पर चलने से बचना होगा। कामकाज के क्षेत्र में भी किसी नए काम में हाथ डालने से नुकसान हो सकता है, इसलिए भी अपने हालात का सही आंकलन करना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इच्छा लाभ कमाने की है पर हालात नुकसान भरे बने हुए हैं, इसलिए हर कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लेने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह की खुद की बनाई हुई गलती से बचा जा सके। क्या न करें सप्ताह में? ऐसा न सोचे कि दूर स्थान के विकल्प ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं। हर स्थिति का सहजता से आंकलन करेंगे तो बहुत सारी चीजों को समझने में मदद मिल जाएगी और गलती नहीं होगी। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद आप संतुष्ट नहीं हैं। चुनौतियों के बावजूद आपके प्रयास अच्छे हैं, पर हो सकता है कि आपकी उम्मीदें इस समय बहुत ज्यादा हों। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ के बजाय अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का सोचना होगा। आपकी कोशिशें अच्छी हैं पर किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से फिर भी आपको बचना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी काम को लेकर ज्यादा पैसा जुटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है और इस समय यही ठीक नहीं। कहीं कामकाज में और ज्यादा पैसा लगाने की आपकी सोच आपको किसी नुकसान की तरफ तो नहीं लेकर जा रही है, ये समझिएगा। और अगर ऐसी गलती करने जा रहे हो मत कीजिएगा। बहरहाल गलतियां हम होने भी नहीं देंगे क्योंकि हम हैं आपके साथ हर रोज। सवाल लेंगे सर। सवाल है राहुल मिश्रा का, 24/4/1992 1:30 रात के AM जौनपुर में उत्तर प्रदेश के इनका जन्म हुआ है। नौकरी में कब तक इनको सफलता मिल पाएगी, या कब तक इनको नौकरी मिल पाएगी, या फिर इन्हें बिजनेस करना चाहिए? अगर बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए? राहुल, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है शनि की January 2020 तक। क्या जॉब में सफलता मिलेगी या बिजनेस करना चाहिए? देखिए, अभी का जो समय है वो कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि आपको जॉब ही करनी चाहिए, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर समस्या ये है कि आपने जॉब के लिए खुद को उतना प्रिपेयर नहीं किया अभी तक। बहुत जूझना पड़ता है, बहुत इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत तैयारी करनी पड़ती है ताकि आप जॉब से जुड़े और फिर उसमें सफलता पा सकें। तो आने वाले कुछ वर्षों में उस सफलता को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ये आपकी कुंडली दर्शाती है। तो इसलिए बिजनेस का ख्याल छोड़ दीजिए और जॉब की दिशा में प्रयास कर लीजिए। पहली बात, बिजनेस नहीं करना है। दूसरी अहम बात,
जॉब ही करनी है, लेकिन जॉब के लिए जो तैयारी होनी चाहिए उसमें भी अभी कमी है। तो अभी आपको टूट कर मेहनत करनी है, जम कर तैयारी करनी है जॉब के लिए। जॉब के रास्ते पर ही आगे चलना है। जॉब के बारे में तब सोचिए जब आप अपनी तरफ से ईमानदारी से तैयार हो जॉब के लिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए आने वाला सप्ताह क्या क्या लेकर आ रहा है जानते हैं, और साथ ही साथ आपको आगाह भी करेंगे कुछ खास चीजों को लेकर कि आप क्या करें और क्या ना करें अगले 7 दिन। तुला राशि वालों के अंदर काबिलियत भी है और आपकी मेहनत भी इस समय बनी हुई है। अपनी कोशिशों के बावजूद आप अपनी परिस्थिति से इस समय खुश नहीं है, इसलिए अपने कामकाज में भी कोई ना कोई गलती निकालते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें समर्पित रहने से आपका भाग्य खुल जाएगा। धन लाभ की संभावनाएं भी बनी रहेंगी और आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धि आपके कदम चूमेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने हालात को बेहतर करने के प्रयास में आप लोगों को परेशान न करते चले जाएं। अगर आपकी समृद्धि से लोगों को ईर्ष्या होगी तो वो आपका नुकसान करना चाहेंगे, इसलिए लोगों के प्रति अपनी विनम्रता बनाए रखें ताकि कोई गलती ना हो जाए। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी नए काम में हाथ डालने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने काम से मतलब रखें। किसी भी तरह के जोखिम में पड़ने से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, लोगों की बातों में आने से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए सबकी बात सुन लें और अपने फैसले अपने विवेक से करें। ऐसा करने से आपके लिए बचाव का माहौल बना रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने पैसे को कहीं फंसा कर आप भाग्य को आजमाने की कोशिश न करें। जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों से भी सबक ले लें। अपने व्यवहार में किसी भी तरह का तीखापन बिल्कुल ना लाएं। धनु राशि वालों को अपने पैसे की स्थिति संतोषजनक लग रही है, लेकिन पैसे से जुड़े फैसलों में गलती हो सकती है। अपने दिल की आवाज सुने ताकि आपके फैसले सही हो सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, जिंदगी की किसी भी तरह की रुकावट का समाधान आपसी तालमेल से ही निकलेगा। लोगों से सद्भावना बनाए रखें, एक एक करके सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने मन में कोई ऐसी इच्छा ना पालें जो आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल दे, ना ही अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बढ़ाएं ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। मकर राशि वाले समझ रहे हैं कि जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं आप उन्हीं पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटाकर अगर आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो रिश्तों की मधुरता आपके लिए भरपूर बनी रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों की नाराजगियों से भी बचना होगा। किसी भी छोटी बात को बड़ी परेशानी में परिवर्तित होने से तो आपको बचाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, लोगों की किसी अच्छी कही बात का कोई और मतलब ना निकालें, इसलिए अपने विचारों को प्रबल बनाकर आप किसी भी तरह की गलत फहमी में ना पड़ते चले जाएं। इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए तो कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल 7 दिनों का आपके सामने आने जा रहा है और इसके बाद आने जा रहे हैं वो टिप्स जो अगले 7 दिन तक आपका साथ देंगे। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि पैसा आ जाना अपने आप में पूरी बात नहीं, पर पैसे के लेन देन में सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत अपनी स्थिति को परेशानी में डालते चले जाने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, पारिवारिक परिस्थितियों की ओर नजर रखें ताकि घर परिवार में सुख और चैन बना रहे। किसी अच्छाई के चलते आपके मन में कोई ऐसा रिश्ता पनप सकता है जो आपको दिली खुशी दे जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने पैसे की स्थिति को बहुत बड़ा मानकर आप अपने लिए किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। अपनी कोशिशों को इतना भी दिशाहीन ना होने दें कि उसका बुरा असर आपके पारिवारिक रिश्तों पर पड़े। मीन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी परेशानियां हैं जिसका बुरा असर आपके प्रदर्शन पर पड़ रहा है। आप इस स्थिति से खुश नहीं हैं और इसी बात को संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, रिश्तों के प्रति मधुरता बनाए रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता आपकी आदत बनती चली जा रही है, इस बात से बचना होगा और किसी भी अचानक उभरती हुई परिस्थिति से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को कम करके आप अपनी परेशानियों को बढ़ाएं नहीं। जो भी परेशानियां हैं उन्हें अपनी लगन से संभालने की कोशिश कर लें ताकि आप अपनी ही धुन में कोई बड़ी गलती ना करते चले जाएं। अपनी धुन में खोए हुए हैं आप, कोई गलती तो नहीं करने जा रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कुछ गलत आपसे ना हो जाए। बहरहाल
आप सब से किसी भी तरह की गलती नहीं होगी अगर आप पूरे मन से रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम राशिफल के बाद किसी एक राशि को बताते हैं कुछ खास, जानते हैं ज्योतिष गुरु से कि आज किस राशि का नाम आ रहा है सामने, कौन सी राशि सामने आ रही है। आप सब ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में जरूर जाएं, किसी भी भगवान के आगे माथा टेक। तो इजाजत दीजिए, हमने शुरुआत में बात की थी रिश्तों की, तो बस जब बात रिश्तों की हो तो दिल का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का कम से कम, जो दिल के रिश्ते हों उनके लिए। हम दुनियावी रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, हमारा और आपका दिल का ये रिश्ता सालों से यूं ही बना रहा है और आगे और मजबूत ही होगा। अगर कोई समस्या आ रही है आपके सामने, कोई भी मुश्किल है, हमें ईमेल कर सकते हैं aapketare@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज की मुलाकात बस यहीं पर रोकनी होगी हमें, लेकिन कल इसी मुलाकात को फिर आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।